राधे रानी हाई रेट गबरू नु मारे नी मुंडे पागल हो गए ने तेरे गिन गिन लक दे हुलारे नी हाय नखरा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्ते, केम छो केमो नाचो। गाइस, आज का जो मेकअप ट्यूटोरियल है ये स्पेशली पार्टी के लिए है। सो गाइस, अभी दिवाली आ रहा है एंड वेडिंग सीजन चालू हो रहा है, सो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये पार्टी मेकअप लुक आपके साथ शेयर करूँ, स्पेशली नाइट पार्टी मेकअप। सो गाइस, विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट इन टू द वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले प्राइमर यूज़ करना है कोई भी मेकअप स्टार्ट करने से पहले। ये है इनसाइड का, अच्छा है बहुत, सिलिकॉन बेस प्राइमर है। फाउंडेशन मैंने एलए कलर्स यूज़ किया है यहाँ पे, ये परफेक्ट मैच है और बहुत अफोर्डेबल प्रोडक्ट है। जो भी एमआरपी होगा या जो भी शेड है मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर शेयर करूँगी। अब इसे अच्छे से ब्लेंड करना है, तो ये ब्यूटी ब्लेंडर से भी बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है, बट मुझे ब्रश के साथ ज़्यादा कम्फर्टेबल लगा। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है बहुत इजीली ब्लेंड हो रहा है और ये परफेक्ट मैच है मेरे लिए। आई एम सो हैप्पी कि ये फाउंडेशन अमेजिंग है, स्किन पे बहुत इजीली ब्लेंड हो जाता है। सो कंसीलर यहाँ पे एक्स मी सो कलर्स का यूज़ किया मैंने। एक्चुअली ये जो ब्रांड है ये यूएई से लिया था मैंने, सो आई डोंट थिंक सो ये यहाँ पे अवेलेबल है, बट अगर मुझे लिंक मिलता है तो मैं ज़रूर डिस्क्रिप्शन में शेयर करूँगी। सो इसकी जगह आप कोई भी क्रीम बेस्ड कंसीलर यूज़ कर सकते हो या फिर आपके पास जो भी कंसीलर है वो आप यूज़ कर सकते हो। से अच्छे से ब्लेंड करना है। उसके बाद कॉन्टोरिंग के लिए पैक कॉस्मेटिक से मैंने ये फाउंडेशन स्टिक लिया है जो कि डार्कर शेड में है। बहुत इजीली ब्लेंड होता है ये लाइक अ बटर। एंड लूज पाउडर मेबलिन फिट मी का यूज़ किया है मैंने यहाँ पे, ताकि जो मैंने क्रीम बेस्ड में कंसीलर लगाया है वो सेट हो जाए। ब्राउज के लिए मैंने प्रो मैट लिया है लॉरियल का। ये अमेजिंग प्रोडक्ट है क्योंकि बहुत इजीली ब्लेंड होता है, और अगर आप बिगनर हो और आपको अगर ब्राउज डिफाइन करने के लिए कोई प्रोडक्ट चाहिए तो दिस वन इज़ परफेक्ट फॉर यू। सो नाउ आई शेडो के लिए हुडा ब्यूटी वॉन ब्राउन ऑब्सेशन पैलेट यूज़ कर रही हूँ मैं, जिसमें से ऑरेंजिश रेड कलर है ये, और इसे अपने क्रीज लाइन पे बिल्डअप करते हुए ब्लेंड करते जाना है। जैसे आपको लगता है कि अभी इनफ है, ये बहुत ज़्यादा हो गया है, तो आप वहीं पे स्टॉप कर सकते हो, अदरवाइज आप इसे आराम से बिल्डअप कर सकते हो। उसके बाद ब्राउन कलर अपने आउटर वी पेयर में ब्लेंड कर रही हूँ। उसके बाद जो रेड कलर है वो उसे अपने आई लीड पर पूरी तरह प्लेस करना है, तो धीरे धीरे बिल्डअप करते जाना है। उसके बाद ये अमेजिंग गोल्डन शेड जो है उसे अपने फिंगर के हेल्प से आई लीड पर लगा रही हूँ, और फिर ब्रश के हेल्प से उसे ब्लेंड करना है। गोल्डन शेड भी आपके ऊपर, आप जितना चाहे उतना बिल्डअप कर सकते हो। फिर सिवाना कलर्स का जो हाइलाइटर है उससे मैंने अपने ब्राउज को हाईलाइट किया है, इनर कॉर्नर को हाईलाइट किया है। उसके बाद सेम पैलेट से जो हमने क्रीज पे किया था सेम कलर में अपने लोअर लैश लाइन पे लगा रही हूँ, और फिर अपने आई लैश को कर्ल करते हुए मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ। ये मेरा फेवरेट मस्कारा है। सो काजल यहाँ पे स्टे क्यूकी का बैड एस काजल लिया है मैंने, ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। सो इसे लगाने के बाद ब्रश के हेल्प से हमें इसे ब्लेंड कर लेना है। स्टे क्यूकी का आईलाइनर लिया है मैंने जो कि बहुत हैंडी है, अगर आपको विंग ड्रॉ करना है तो ये परफेक्ट है, और मैट फिनिश है इसलिए अमेजिंग है। सो गाइज, अमेजिंग वर्ड मैंने बहुत यूज़ किया है इसलिए सॉरी फॉर डैट, सारे प्रोडक्ट एक्चुअली अमेजिंग है। सो ये जो ब्रॉन्जर है ये बहुत ही अमेजिंग है क्योंकि ये बहुत ईजिली ब्लेंड होता है और बहुत हार्श लुक नहीं देता है, बहुत सॉफ्ट है। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि ये सारे प्रोडक्ट एक्चुअली अमेजिंग है तो कॉमेंट में अमेजिंग एक बार ज़रूर टाइप करना। हाईलाइट ऑफ फेसेस का है गोल्डन शेड, ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट हाईलाइटर है, और गोल्डन हाईलाइटर पार्टी मेकअप के लिए मस्ट है। सो लिपस्टिक यहाँ पे निक्स का यूज़ किया है मैंने जो कि पिंक है, न्यूडिश पिंक, जो परफेक्ट है इस मेकअप के लिए। फिर सेटिंग स्प्रे से मैंने अपना मेकअप यहाँ पे सेट कर लिया है, और ये मेरा मेकअप डन। निहाय नखरा तेरा नी हाई रेटेड गबरू नु मारे हनी मुंडे पागल हो गए ने तेरे गिन गिन लक दे हुलारे वो तेरी मीठी। गाइस, आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और यस
कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, मुझे आपकी कमेंट सच में बहुत अच्छे लगते हैं। मैं हमेशा ज्यादातर रिप्लाई करती हूँ आपके सारे कमेंट्स के। आपसे एक रिक्वेस्ट करना था, मेरी फ्रेंड है नबीला शिरीन, जिसने यूट्यूब चैनल अभी अभी बनाया है, अपने वीडियोस बनाती है, बहुत मेहनत कर रही है। प्लीज डू सब्सक्राइब टू हर चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, उसको भी हेल्प हो जाएगा। जैसे आप लोग मुझसे प्यार करते हो, प्लीज डू सब्सक्राइब टू हर चैनल एज वेल। शी इज़ वेरी टैलेंटेड एंड शी इज़ अ वेरी वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। सो हमें हमेशा सबको हेल्प करना चाहिए, राइट? सो डू हेल्प हर, थैंक यू। सो गाइज, इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे फिनिश होता है। मिलते हूँ जल्दी ही अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय।